उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही बूथ को मजबूत करने समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा, बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं प्रदेश प्रभारी ने महेंद्र भट्ट से कहा कि भीतरघात करने वालों को पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं देगी। राजनीतिक दल होने के कारण पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के राजनीतिक दल के नाते नाते हमारी मुख्य इकाई जो है वो बूथ है। आपने देखा होगा ऊपर से लेके नीचे तक आदेश होता है, पालन होकर बूथ पर ही होता है वो। इसलिए बूथ सशक्तिकरण के लिए अनेकों अनेक योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और वो हमारे बूथ अध्यक्ष तक पहुँचे, इसकी सारी व्यवस्था की लगातार बैठकें चलती रहती है। ऐसी आज एक बूथ प्रबंधन की हमारी बैठक है और हमारे प्रदेश के प्रभारी आए हुए, हमारे नेतृत्व आया हुआ है, दोनों विषय हैं। मुख्य रूप से हमारा आगामी दिनों का बूथ के अंदर पार्टी को मजबूत करना है। हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनने और सारे विषय चर्चा होगी। इसके साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है और अभिभाषण को हम शक्ति केंद्र पर ले जाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार उपलब्धियाँ हैं। इसके साथ साथ एक कार्यक्रम हमारा राज्य सरकार प्रौद्योगिकी विषय को भी खबर रखेगा। उस कार्यक्रम का स्वरूप किस रूप में हो कैसे बने सारी चर्चा आज की बैठक में हम करने वाले हैं।